उज्जैन केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जेल में बने मुलाकात कक्ष में परिजनों के प्रतीक्षालय, बच्चों के झूलाघर और जेल में बनी पाठशाला का शुभारंभ किया। उज्जैन जिले की सबसे बड़ी जेल केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले जेल में बने मुलाकात परिजनों के प्रतीक्षालय, बच्चों के झूलाघर और जेल में बनी पाठशाला का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इसके बाद जेल परिसर में सामान लाने ले जाने के लिए ई रिक्शा वाहन का शुभारंभ किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने ई रिक्शा भी चलाया है। रिक्शा में केंद्रीय भैरवगढ़ जेल की अधीक्षक उषा राजे और उत्तर विधानसभा के विधायक पारस जैन बैठे थे। निरीक्षण के दौरान कैदियों को मिलने वाला भोजन भी चक्कर चेक किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में जीरो बजट पर कई काम किए गए हैं। जेल का परिसर बहुत सुंदर किया गया है। अंदर भी सारी व्यवस्था जो जेल के परिवार के अनुरूप में होनी चाहिए वो उज्जैन की गरिमा के रूप में है। भोजन की थाली को भी चेक किया गया। जेल का माहौल अनुकूल पाया गया और जेलर ने कुछ कठिनाइयां बताई है। दोनों गेट के बीच शेड बनाया जाना है, वहीं एक वॉच टावर बनाने की बात मंत्री ने कही थी। बंदियों की संख्या बढ़ रही है, उसके प्रबंधन के बाद गृह मंत्री से की जाएगी। दौरा के माननीय पारस जैन साहब हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक हमारे साथ थे और कुल मिलाकर के जेल के अंदर आज 3-4 सौगात भी नई नई दी गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक तरह से जीरो बजट में कई सारे काम किए गए। जेल का परिसर बहुत सुंदर किया गया, अलग अलग कलाकृतियों के माध्यम से। बाहर बंदियों के परिजन आए तो उनको छाया का शेड और व्यवस्था की गई। इसी प्रकार से अंदर के लिए भी जेल के अंदर हमारे पास में जो अंदर के प्रबंधन है, जिसमें पाठशाला है, फर्नीचर के लिए बनाने की व्यवस्था है, अंदर का सारा व्यवस्था जो एक जेल के एक परिवार के रूप में होना चाहिए उज्जैन की गरिमा के हिसाब से पाया गया है। माननीय पाराजी भाई साहब ने भी इस चीज़ को देखा है, भोजन की थाली वगैरह भी चेक की है। कुल मिलाकर के जैसा एक परिवार का वातावरण होना चाहिए, जो प्रबंधन होना चाहिए, वो हम आशा के अनुकूल पाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये व्यवस्था बनी रहेगी। कुछ अंदर की कठिनाइयाँ भी बताई जो भविष्य की दृष्टि से काम आएगी, जैसे ये जो हमारे दोनों गेट के बीच में सेट बन जाए, एक वॉच टावर और बनाने की बात है। इस प्रकार से जो फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों को कहीं शिफ्ट करके जो बंदी की जो संख्या बढ़ रही है उनके प्रबंधन की बात भी आई है। उम्मीद कर रहे हैं कि हम ये माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जेल मंत्री और हमारे वित्त मंत्री के साथ मिलकर के इस समस्या का हल माननीय शिवराज सिंह जी चौहान उदार मना है, सारे प्रबंधन ऐसे करेंगे जिसके माध्यम से सब ठीक हो सके।